the other employee from safe from the point of view. You know, because what is the business? Is there anything in particular that you like about Pakistan? For example, I like your mango. Everything is a different question for Pakistan, also difficult. For the last 7 years, we don't know who is the boss. Terrorism is a common menace of the whole world. कराची में पाकिस्तान के पहले हाइब्रिड डिजिटल चैनल वॉइस ऑफ नेशन और अखबार कौम की आवाज़ के चेयरमैन फरासत शाह खान ने वक्त के हमरा चीन के कौंसल जनरल ली जी बियान से चीनी कौंसल खाने में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चीन के कौंसल जनरल ने कहा कि चीन पाकिस्तान का इंतहाई बाएतमाद दोस्त मुल्क है। चीन तरक्की और खुशहाली के सफर में पाकिस्तान के साथ है। हम पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों की तरह हिदायत नहीं देते, बल्कि हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए मशवरे देते हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। पाकिस्तान के पहले हाइब्रिड डिजिटल चैनल वॉइस ऑफ नेशन और अखबार कौम की आवाज़ के चेयरमैन फरासत शाह खान जब चीनी कौंसल खाने पहुंचे, तो चीनी कौंसल जनरल ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वक्त में चेयरमैन फरासत शाह खान के हमरा डायरेक्टर ग्रुप मीडिया वॉइस ऑफ नेशन उसामा साद शाह, सीनियर सहाफी जाहिद करानी और एंकर पर्सन उरूज मलिक भी शामिल थी। वफ्द ने कौंसल जनरल ली जी बियान को गुलदस्ता दिया और तहाइफ पेश किए। चेयरमैन वॉइस ऑफ नेशन फरासत शाह खान ने कौंसल जनरल को यादगारी शील्ड भी पेश की, जिस पर चीनी कौंसल जनरल ली जी बियान ने शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में चीनी कौंसल जनरल ने बताया कि पाकिस्तान और चीन का फ्लैगशिप मंसूबा सी पैक कामयाबी के साथ तकमील के मराहिल तय कर रहा है और इस सिलसिले में सी पैक में पहला फेज मुकम्मल हो चुका है। मुलाकात में चीनी कौंसल जनरल ने कराची में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया और इस सिलसिले में उन्होंने गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला सिंध से होने वाली मुलाकात का भी जिक्र किया, जिसमें कराची में चीनी शहरियों और सी पैक मंसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स की सिक्योरिटी के इकदामात पर एतमाद में लिया गया, जिस पर चीनी कौंसल जनरल ने इत्मीनान का इजहार किया। चीनी कौंसल जनरल ने वक्त को बताया कि बिलाशुबा आलमी सतह पर एक मुआशी बहरान है, जिससे पाकिस्तान भी मुतासिर है और हम पाकिस्तान के साथ इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े हैं। उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि चीनी पाकिस्तान में खुसूसन सिंध और बलूचिस्तान जहां पानी की कमी है, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए चावल, सुर्ख मिर्च और केले की काश्त का तजुर्बा करना चाहता है। चीनी कौंसल जनरल ली जी बियान ने कहा कि पाकिस्तान शहरियों पर चीन के वीजे की कोई पाबंदी नहीं है, पाकिस्तानियों को वीजा न देने की बातें अफवाहें हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हमेशा लाजवाब रहेगी और इनका इदारा भी इसमें अपना किरदार अदा करता रहेगा। वफ ने कौंसलेट में तजुर्बाती तौर पर काश्त किए गए केले के दरख्तों का मुआयना भी किया और चीनी कौंसलेट ने इनके इकदामात को भी सराहा। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।